हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेट पूजा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस त्योहार के अवसर पर आज हम बनाएंगे पौष्टिकता से भरपूर घी से लथपथ तिल अखरोट का हलवा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 3/4 कप अखरोट। ये मीडियम साइज अखरोट है, इसे हमें अच्छे से भूनना है 5 से 7 मिनट के लिए। अच्छे से क्रंच आ जाना चाहिए इस वॉलनट्स को, यानी कि अखरोट को। अब एक पतीले में लेते हैं 1 कप पानी, ये सादा पानी है, और फुल क्रीम मिल्क हमें लेना है, यानी कि दूध 1 कप। थोड़ा सा हम केसर लेंगे, इससे क्या होता है टेस्ट भी अच्छा आता है और जो हमारा हलवा है उसको अच्छा एक कलर भी आता है, नेचुरल कलर आ जाता है। तो इसमें अब हम डालेंगे चीनी, 1/4 कप हमने ली है, और इसे अब हम गैस पर रखेंगे, लो फ्लेम पर इसे अच्छे से उबाल कर लेना है। अब हम अखरोट चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए परफेक्टली ये डन हो चुका है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं, इसे ठंडा करके हमें इसे बारीक पीस कर लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं लेकिन दरदरा। अब वही कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 कप घी और इसे अच्छे से गर्म करके लेंगे। लो फ्लेम पर ही आपको ये शीरा बनाना है, यानी कि हलवा। अब हम लेंगे सूजी, रवा या इसे सेमोलिना भी कहते हैं, हमने यहाँ पे लिया है 1 कप। इसे हमें अच्छे से फ्राई करके लेना है जब तक ये ब्राउन कलर ना चढ़ जाए। ये देखिए साइड से अब ये घी छूटने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे तिल, यहाँ पे हमने सफ़ेद तिल लिया है 1/4 कप। मकर संक्रांति के अवसर पर अक्सर तिल के लड्डू, तिल के पापड़ बनते हैं या फिर तिल के पराठे बनते हैं। आज हमने यहाँ पे हलवा बनाया है। अब ये आता है अखरोट का पाउडर, इसे हमने बारीक पीस कर लिया था। अब हम इस मिश्रण में ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से भून कर लेते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट लगातार आपको भूनते रहना है, मतलब यहाँ पर हमने रवा, तिल और जो अखरोट है उसे हमने भून लिया। अब ये जो मिक्सर है वो अच्छे से उबल चुका है, तो अब इसे हम इस अखरोट के मिश्रण में डाल देते हैं और अच्छे से इसे चला लेते हैं। साथ में हम डालेंगे जायफल का पाउडर, लगभग 1 टीस्पून हमने यूज़ किया है, और अब इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। देखिए आप देख सकते हैं साइड से पूरा घी निकल चुका है, सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो हलवा है वो बनकर रेडी है। इसे हम गार्निश कर लेते हैं क्रश अखरोट के साथ और सफ़ेद तिल के साथ, और इसे थोड़ा सा देर सेटल करके इसे हम सर्व करते हैं। ये देखिए तिल अखरोट का हलवा बनकर रेडी है। मकर संक्रांति के त्यौहार में खास तरह से तिल के डिशेस बनाए जाते हैं। दिल से बनाइए, दिल से खाइए। आज आपको ये पेट पूजा में रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर पेट पूजा के वीडियोस आपको पसंद आते हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेट पूजा।